अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सासर्व एंड यू आर वाचिंग सासर्व खान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में थंबनेल को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब थंबनेल क्या होता है? थंबनेल वो होता है जिसे हम अपनी वीडियो में ऐड करते हैं, वो टेक्स्ट की शेप में, वो पिक्चर है, वो फोटो है, जो भी है जो हम अपनी वीडियो के ऊपर लगाते हैं उसे हम कहते हैं थंबनेल। यकीनन आपने भी मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया होगा। तो अगर आपको थंबनेल बनाने का तरीका कर नहीं आ रहा तो मेरी उसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी थंबनेल को ऐड करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करने उसके भी मेरी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो में शाउट आउट जी कारी जाफर हुसैन, इनके चैनल को आपने सर्च करके सब्सक्राइब करना है और इनकी वीडियोस को आपने देखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल का नेम भी इस तरह से आए तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो के नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए जी फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुकी हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वीडियो में थंबनेल को ऐड करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नेम है वाई टी स्टूडियो और जी आपको प्ले स्टोर से इजीली से मिल जाएगी और इसे आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इधर आपको अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना है ईमेल और पासवर्ड देकर। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इधर आपको आपके चैनल की जितनी भी वीडियोज़ होंगी रिसेंटली आपने अपलोड की होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ तो इधर आपको आपके चैनल की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपने अपलोड की होंगी। तो भाई ये मेरा सेकंड व्लॉगिंग का चैनल है तो भाई इसे भी सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता यार आपका। तो इधर से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो में आपको थंबनेल ऐड करना है। तो चलिए जी मुझे इस वीडियो में थंबनेल को ऐड करना है तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, या इसे आप एडिट मोड कह सकते हैं। और देन आपको क्या करना है, इधर पेंसिल के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जहाँ जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहे हैं ये YouTube की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, मतलब कि वो खुद ब खुद वीडियो में से चूज कर लेता है। और अगर चाहे आपको अपनी तरफ से ऐड करना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इधर चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको उस थंबनेल को सिलेक्ट करना है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके मुझे ये ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और देन आपको क्या करना है, इधर आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आपको इधर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का वो जो थंबनेल होगा वो वीडियो में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, अगर इधर आपने जो है ना चेंज के ऑप्शन पर या आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया है और ये वर्क नहीं कर रहा है और वो आपको कह रहा है वेरीफाई का, तो मतलब कि आपका जो चैनल है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। तो भाई लोगों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था आई होप आप ठीक से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।